गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घुसुंडा मोड़ स्थित सोनू नर्सिंग होम में इलाजरत एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के मौत का जिम्मेदार डॉक्टर एवं अस्पताल के प्रबंधक को ठहराया गया। वहीं परिजनों ने मौत के बाद अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम पर जमकर तोड़फोड़ एवं हंगामा किया। इसके दौरान कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। नर्सिंग होम में हंगामा होते देख उपस्थित मरीज एवं मरीज के परिजन दहशत में आ गए। वहीं आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया एवं जाम को हटवाया। इसके साथ ही पुलिस ने सब को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है एवं परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। वीडियो न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। कैसे मौत हुई थोड़ा बताना। बोल मेरा फैमिली का मौत होने का कारण यह है कि डॉक्टर ने जैसे तैसे करके सुई और एथिकल लगा के मेरा परिवार की जान ले लिया है। पैसा काम तो भी पड़ गया। वो पैसा मेरा कम था, वो नहीं ले रहे थे और कंप्यूटर लोग भी छुट्टी नहीं दे रहा था। जिसको जिस डॉक्टर के हम थ्रू से आए उसको नाम है प्रमोद यादव, गेंदहार गए मैं घर बने ले हैं, जो कि फोन नहीं उठा रहे, जो कि अभी स्विच ऑफ है मोबाइल उनको। किस लिए भर्ती किया? ये अरविंद डॉक्टर से, अरविंद डॉक्टर के यहाँ भुसंडा मोड़ पे है और सोनू मेडिकल। किस लिए भर्ती किया? किसके थ्रू आए थे आप? रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू आए? यादव के थ्रू से आए थे। प्रमोद डॉक्टर। प्रमोद यादव कौन है? प्रमोद यादव डॉक्टर है। कहाँ के डॉक्टर है? कहाँ के डॉक्टर है? गेंदहार था। गेंदहार था। वो सलाह दी यहाँ आने के लिए? हाँ आने के लिए। नहीं जैसे कि हम वहाँ पे उनसे बात किए कि भैया हमको ये अच्छी करवाना है, चेक करवाना है फैमिली का, मेरा कितना दिन हुआ है। तो वहाँ पे ले गए हमसे, तो बोला वहाँ पे कि क्या करना है उसे कुछ। चलिए हम, मेरा पास एक डॉक्टर है उससे आपको मिलवाते हैं। शनिवार को 10 बजे हम आए हैं और डॉक्टर से बात हुआ कि 7,000 रुपये हम लेंगे यहाँ आने के बाद एडमिट कर लिया, पैसा भी ले लिया। कितने दिन से एडमिट है? 5 दिन से। कितने पर है, कितने पैसे अब तक लग चुके हैं? अभी तक हमको 40-50 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका है। किस लिए भर्ती किया था? ब्लीडिंग चालू था मेरा फैमिली का, 3 महीना 15 दिन 16 दिन यह हो रहा था, उसी को दिखाने आए थे, वो एडमिट कर लिया। ठीक है कुमार, हम बोल पेशेंट को भाई बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब का क्या पूरा रिक्वेस्ट किए कि सर आपसे अच्छी नहीं समझ रहा था मेरा अच्छी पेशेंट को, तो अच्छी कर दीजिए, वापस कर दीजिए, रेफर कर दीजिए। तो कहा नहीं नहीं, और कल दिनांक 1/2/2021 इसमें अभी बुलाया हमको, पानी चलाया एक बोतल, 4 जगह नीडल लगाया, नीडल आउट कर जा रहा था। उससे पूरा रिक्वेस्ट किया सर आप नहीं संभाल रहा तो अभी रेफर कर दीजिए आप, तो नहीं सुन ही नहीं रहा, हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। बुला के एक तो ही सोनू क्लिनिक में आती आज तक वो अच्छी नहीं है और 2 मौत हो चुका है यहाँ। और 100 रुपया हमको कम था पेशेंट को, तो मेरी माँ को पेशेंट को खेल रहा था दोनों। अरे ये कंपाउंडर, कंपाउंडर और डॉक्टर दोनों करिया है हमको। अच्छा, हाथ भी उठाया और ठेला है और मेरी माँ को ठेला है और दोनों अभी मिल के पहले माँ को भी ठेला है, मेरी माँ को भी ठेला, हाथ नहीं उठाया, हाथ नहीं उठाया मेरा, ठेला है खाली भी। और 100 रुपया नहीं था जब हम अपना घर से पैसा लाया तो मरीज को जाने दिया, मेरा गाड़ी ये पर रखवा लिया था कि और हुआ कल DNA सिस्टम देना था। हम कहे सर आप 540 रुपया हो रहा था, हम 500 रुपया भी नहीं मान रहा था, 40 रुपया सर आगे देते हम, तो नहीं नहीं तो हम 11 बजे रात के आगे आए, मेरे पापा आए तो उसको 40 रुपया दिए, तो पेशेंट को जाने दिया हुआ भी और यहाँ भी। हम कहे आपसे नहीं अच्छी है और रोध कर रहे हैं पूरा, हुआ भी हमको एग्ज़ाम था, हमको कल एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से आए हम और डायरेक्ट लेके चल के पेशेंट को बुलाया जी हम, अभी ड्राइवर कहा ब्लड चेक और ड्राइवर जे जे चेक बोला हम सब चेक करवाए हैं, पैसा के चलते डॉक्टर प्रमोद वो भी घूस खाया है, वो भी लाया यहाँ और वही 6 दिन से 23 तारीख से भर्ती कर दिया है और अभी तक था, कल तक था जो कि अभी दोनों मोबाइल जिसको अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ है दोनों का और बुलाया जा रहा है यह राज सोनू क्लिनिक में। 5 पेशेंट अभी है जो अभी तक मौजूद है, अभी तक एक नर्स नहीं क्लिनिक में है ना जी डॉक्टर है, पेशेंट को क्या होगा आप समझिए। झूठ बोल करके बोलता नर्स है, नर्स नहीं रखता, नर्स नहीं रखता, झूठ बोलता है,
झूठ बोलता है, बोलता है कि नर्स है मेरे पास, लेकिन नर्स इसके पास नहीं है सर, नहीं तो डॉक्टर है नहीं तो नर्स है, कुछ नहीं है इसके पास। 24 घंटा के सेवा करवा दिया और 24 घंटा में हुआ सोनू की मेडिकल खोले हुआ है, हुमे बैठे रहता है, हुमे पर यहाँ बुलाते हैं तो कहते हैं टाइम से आएंगे और कहेंगे सर 24 घंटा उपलब्ध किए हैं। कंपाउंडर उसको जानकारी नहीं, जो कंपाउंडर है उसको जानकारी भी नहीं है, मोबाइल भी स्विच ऑफ दोनों कर लिया है और अभी पेशेंट जो है वो दर्द से अथी कर रही है, क्या होगा उसको, दो पेशेंट है अभी तक डॉक्टर भी नहीं आया है, डॉक्टर हमको डॉक्टर की मांग चाहिए। ठीक है, अपने परिचय दो। हम ऋतिक कुमार घर गंधार, पिता श्री सुदामा शर्मा। ज्योति नाम है, उमर, उम्र 21, हिम्मत तो बाल बच्चा और एक बेटी है, मेरा 9 महीने का बेटी है। हिम्मत रखिए आप, क्या हिम्मत क्या सर, क्या किस बात की हिम्मत रखे जब हमको 1 रुपया तक नहीं छोड़, 1,000 रुपये हम पैसे दिए, 7,000 की जगह 8,000 रुपये हम उसको दिए। प्रशासन साफ है, आपको कोई जरूरत नहीं, प्रशासन ने हमको डॉक्टर से मिला दिया।